हेलो नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। ये कोरल ड्रॉ की वीडियो नंबर पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, जिसमें पार्ट 1 में फाइल मेन्यू और कुछ टूल के बारे में बताया गया है, और पार्ट 1 में फाइल मेन्यू और बार्स और कुछ टूल के बारे में बताया गया है, और पार्ट 2 के अंदर सभी टूल को अच्छी तरह से समझाया गया है। और ये पार्ट 3 है, इसमें हम जानेंगे एडिट मेन्यू के सभी ऑप्शन और व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कोरल ड्रॉ ओपन कर लेना। कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद अब आते हैं हम एडिट मेन्यू पे। एडिट मेन्यू पे सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू रीडू वैसे पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम चलाते हैं। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट आप जब ड्रॉ करते हो, ठीक है, और कोई भी आप ऑप्शन कोई भी कमांड आप एक्टिव करते हो, कट कॉपी पेस्ट या कोई कलर कर रहे हो, अब आपको लगता है इसको अंडू करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, अंडू फिल है, ठीक है, यानी अंडू फिल यानी जो फिल किया है ना आपने अभी कलर, वो अंडू हो जाएगा, ठीक है। वापस देखो, अंडू क्रिएट, अब यहाँ पर देखो अंडू क्रिएट लिखा रहा है। अंडू क्रिएट क्यों लिखा रहा है? क्योंकि अब जो लास्ट टाइम हमने ड्रॉइंग क्रिएट करी थी वो अंडू हो जाएगी, ठीक है। यानी जो भी हम वर्क करते हैं उसके साथ उसका नाम लिखा आता है इसमें। जैसे आपने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट पे क्लिक करो, और टेक्स्ट लिखने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, टेक्स्ट लिखने के बाद यदि आप सोच रहे हो कि इसको अंडू करें आप, ठीक है, तो यहाँ पर अंडू में आओ, देखो अंडू क्रिएट आ रहा है। और यदि आप इसको कलर कर रहे हो, ये कलर कर दिया आपने, तो अब क्या आएगा, देखो अंडू फिल आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका से। आगे है रीडू। देखो अंडू कर दिया आपने, अंडू के बाद रीडू एक्टिव होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जो आपने फिल अंडू किया था वो वापस करना है आपको, तो आप उसको रीडू करोगे तो वो वापस से उसी कलर में आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने इसके अंदर ये कलर कर दिया, तो हम अंडू कर देते हैं, तो ऐसे हो गया। अगर हम रीडू करेंगे तो वापस से उसी कलर में आ जाएगा। आगे है रिपीट फिल। रिपीट फिल क्या होता है, इसके लिए आपको इतना ठीक नहीं चलेगा इसका ना। हम देखो क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और आपने हल्का सा इधर मूव कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर लेना, या रोटेट भी कर सकते हो आप। तो अभी इसमें ना चेंजेस आया है, ठीक है। तो मूव हुआ है, क्या हुआ ऑब्जेक्ट हमारा, मूव। देखो यहाँ पर रिपीट मूव आ रहा है। रिपीट मूव में क्या कह रहा है भाई, जितना अभी हमने मूव किया था उतना और रिपीट करना है आपको, तो आप Ctrl+R करोगे तो भी आपका ये ऐसे रिपीट होएगा। ये रिपीट होता है। अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे इधर में आप ऐसे करो, थोड़ा ऊपर किया मैंने इसको, लेफ्ट में किया है, तो अब देखो Ctrl+R करेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये होता है रिपीट, ठीक है, इसे रिपीट बोलते हैं। कट कॉपी जानते ही होगे, कोई भी सब्जेक्ट है उसे कट कर दिया है आपने, अगर अनदर जगह पेस्ट करना है तो वो पेस्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट मैनी टाइम तक कर सकते हो आप। कॉपी, एक ऑब्जेक्ट की आपने कॉपी बनानी है, मैंने सारी जगह कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना होता है। अब देखें यहाँ पर लग नहीं रहा कि पेस्ट हुआ है या नहीं, देखो यहाँ पर एक पेस्ट और कर देता हूँ मैं, ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है, तो लग नहीं रहा। तो अगर जब आप इसको बाहर निकालोगे तब पता लगेगा कि कितनी कॉपी हुई है। हमने 2 कॉपी बनाई थी इसकी, और मतलब 2 टाइम पेस्ट किया था, तो 2 कॉपी बन चुकी है आपकी। आगे है हमारा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसमें कहाँ गया, पेस्ट स्पेशल का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और पेस्ट नॉर्मली ये होता है कि आप कोई चीज कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हो वैसे ही पेस्ट हो जाती है। पेस्ट स्पेशल में क्या है, जैसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में पेस्ट करना है। चलो कुछ और करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई फाइल है और इसमें से ये वर्ड की फाइल है, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके अब पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सिंपल पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार पेस्ट होएगी। क्या हो गया, थोड़ा वेट करें, ये सॉरी, जो ये फाइल है थोड़ा टाइम लेगी आपकी, और रिट्राई कर देना, नहीं आ रही है, तो वर्ड की फाइल आ गई। तो ये जो फाइल आई है इस टाइम, ये MS वर्ड की फाइल आई है। तो आपको कैसे पता लगेगा, इस पर डबल डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ही MS वर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये किसी और फॉर्मेटिंग में पेस्ट करनी है, डिलीट करो इसको, यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल में आएंगे, ठीक है, और
यहाँ से देख माइक्रोसॉफ्ट की आ रही थी आपकी, ठीक है, आपने पिक्चर पे क्लिक करना है तो ये पिक्चर में पेस्ट होएगी आपकी, ठीक है, ये एक स्टेम पिक्चर है, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे हम, डिलीट करो, या यहाँ से टेक्स्ट में बदलना है आपने नोटपैड की फाइल में, या सिंपल टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, या इस पर क्लिक कर देना, तो ओके, तो ये इस प्रकार, इस पर कुछ नहीं, ओके करना है, ये बस वो फॉर्मेटिंग के लिए कह रहा है, आपकी ये फाइल आ जाएगी और यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर पाओगे, ये टैक्स ले लेना और यहाँ से अब इसको आप चेंज भी कर पाओगे, ये देखो चेंज हो रहा होगा, है ना, इन कुछ लिख भी पाओगे, चेंज भी करोगे, तो ये था आपका, करके देख लेना वन बाय वन सारे ऑप्शन इसके, पेस्ट फेसल, आगे है डिलीट, डिलीट कोई चीज डिलीट करनी हो सिंपल है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये डिलीट है आपका सिंबल, सिंबल क्या होता है, सिंबल से पहले आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट कोई भी ड्राइंग होती है हमारी और सिंबल भी कोई भी ड्राइंग होती है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सिंबल, देखो सिंबल किसी भी ड्राइंग को आप सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ कोई आप सिंबल बनाना चाहते हो, जैसे मैंने ये बना दिया और डॉक्टर का निशान बना देता हूँ मैं, डॉक्टर का निशान कैसे होता है, प्लस का निशान नहीं होता, जो कुछ इस टाइप से का, तो इसे इस ड्राइंग को आप सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर आना है व्यू के अंदर, सॉरी एडिट के अंदर, और सिंबल में आना, सिंबल में देखो न्यू सिंबल है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिंबल का कोई नाम दे दोगे, कोई भी आपने नाम देना वो दे देना, ठीक है, जैसे आपने डॉक्टर डाल दिया, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इसके जो नोड है यानी बाउंड्री के जो नोड्स हैं वो ब्लू कलर के हो गए, अगर आपको नहीं पता लग पा रहा तो एक हम दूसरी ड्राइंग बनाते हैं सिंपल, देखो ये एक ड्राइंग है इसमें कोई कलर करो और यहाँ पर ध्यान दो इसके जो नोड हैं वो ब्लैक कलर के हैं और यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसके नोड जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, ये है सिंबल और ये है आपका सिंपल ऑब्जेक्ट, और सिंबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं वो भी बताते हैं, अगर आपने ये सिंबल बना लिया इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और एक सिंबल और बना लेते हैं कोई भी, ये आपका सिंबल कोई और बना लेते हैं, कुछ भी बना लेना जरूर, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कुछ भी ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप इसको भी सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वापस से यहाँ पर सिंबल में आएंगे, सिंबल में न्यू सिंबल, यहाँ पर कोई अनदर नाम दे दो, ठीक है, ए बी दे दिया आपने नाम इसको, ओके, ये देखो ब्लू हो गए इसके नोट्स, और इसको चाहे डिलीट करो या ना करो, ठीक है, लेकिन सिंबल अभी हमने सिंबल में फाइल जो है कन्वर्ट कर दी अपनी, या सॉरी दो ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने उनको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है, यदि कल को आपके पास कोई कस्टमर आता है वो कहता है मेरा एक विजिटिंग कार्ड बनाओ, या आपको लगता है कि मुझे ये जो है ड्राइंग बनानी है, और जैसे डॉक्टर का निशान बनाना है आपको अचानक से याद आए तो पहले से ही बना रखा आपने, यानी कुछ डिजाइन पहले से आप बना के सेव करके रख सकते हो, इन्हें हम सिंबल बोलते हैं, यदि वही डिजाइन अब आपको इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करेंगे हम, एडिट में आएंगे सिंबल, यहाँ से अब सिंबल मैनेजर में आना है, सिंबल मैनेजर में आओगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर जब विंडो खुलेगी आपकी विंडो तो यहाँ पर देखो दोनों बनाए गए सिंबल, ये ए बी के नाम से है, ये डी आर यानी डॉक्टर के नाम से आपने सिंबल बनाया था, यहाँ पर ऑप्शन है देखो ये है इंसर्ट सिंबल, यदि आपको इनमें से कोई सा सिंबल इधर फाइल में इंसर्ट करना है इसका यूज कर सकते हो, आगे क्या एडिट, यदि इनमें कोई चेंज करना है एडिट कर सकते हो, और ये है डिलीट, पहले इंसर्ट करके देखते हैं, तो हमने ये डॉक्टर वाले पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया, ठीक है, अब ये जो सिंबल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसको छोटा बड़ा तो चलो कर सकते हो, लेकिन अब आपको लगता है कि इसमें कोई कलर चेंज करें तो आप इस पे क्लिक करोगे, किसी भी कलर पे क्लिक करोगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप चाहते हो यदि इसका सिंबल का कलर चेंज करना है, कोई साइज चेंज करना है, जैसे इसको थोड़ा नीचे ऊपर करना था इस वाली पट्टी को पूरे को नहीं, तो आप एडिट सिंबल पे आएंगे, यहाँ पर एडिट सिंबल पे क्लिक करोगे तो सॉरी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था गलती से, यहाँ पर आपको सिलेक्ट भी करना होता है कि कौन सा सिंबल आपने एडिट करना है, ठीक है, तो हम इस पे आके यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हम अप डाउन भी कर सकते हैं,
और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो करना था मान लो हो कर लिया आपने, अब वो आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फिनिश सिंबल आ गया होगा, नहीं फिनिश एडिटिंग यहाँ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ जाएंगे एडिट के अंदर सिंबल में, ये रहा फिनिश एडिटिंग, ठीक है। फिनिश एडिटिंग पे आप क्लिक करोगे तो वापस से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, ये हमने वैसे ही ले लिया था, ठीक है। ये एडिट के लिए, इसको भी आप फिनिश कर दो, एडिट एक्टिवेट हो चुका है ना इसलिए। अब ये था आपका सिंबल, अगर आप चाहते हो कि भी सिंबल बना के रखना चाहते हो पहले से बना सकते हो, और एडिट भी कर सकते हो आप यहाँ से, और उसको डिलीट भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका सिंबल, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है हमारा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कॉपी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, क्या होता है बताएंगे आपको अभी। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये कॉपी पे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखा करो, कॉपी पे मैंने क्लिक किया, और अब हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी दूसरी कॉपी नजर नहीं आ रही है, देखो आती है वो इसके ऊपर आती है, जितनी बार भी आप कॉपी करोगे या सॉरी पेस्ट करोगे वो उसी के ऊपर आती रहेगी, ठीक है। अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ये हटानी पड़ेगी ऐसे, तब आपको दिखेगी वो। तो ये है आपका कॉपी, और अब करते हैं हम इसी को क्या था डुप्लीकेट, इसको डिलीट कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करो आप, या शॉर्टकट की भी है उसकी कंट्रोल डी, तो डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मैं जूम आउट करके करता हूँ, देखो डुप्लीकेट, या मैं शॉर्टकट की का यूज कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस डी, तो क्या हो रहा है, सॉरी कंट्रोल प्लस डी हमारी शॉर्टकट की नहीं चल रही है, दोबारा देखते हैं, कंट्रोल प्लस डी डीएक्टिवेट हो चुका है, एक मिनट, अच्छा सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो उसकी ऐसी कॉपी निकलती रहेंगी। ये ब्लेंड टूल नहीं है, देखने में ब्लेंड टूल की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये ब्लेंड टूल नहीं है, आप ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हो अलग अलग। तो ये था आपका डुप्लीकेट। आगे है कॉपी प्रॉपर्टी। कॉपी प्रॉपर्टी का मतलब होता है यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर है, कोई पैटर्न है, कोई पिक्चर है, वो सेम टू सेम दूसरे में डालना चाहते हो तो इसका कॉपी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। जैसे इसमें येलो कलर कर दिया आपने, ये वाला कलर कर दिया, और इसके अंदर हम कोई पैटर्न इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ से आपको पैटर्न हमने सिखाए थे, पैटर्न पैटर्न कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं, कलर कोई ले लेना, कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कौन सा रखना है, जो भी आपको ठीक लगता है, बड़ा बेकार लग रहा है तो ये भी ठीक ही लग रहा है, चलो कर देते हैं। अब आपको इस वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है, येलो कलर करना है, तो आप वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, तो आपने करना क्या है, कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आपने आउटलाइन फिल करनी है, कलर करना है या फिल करना है, ऐसा कुछ, तो इन पे तीनों पे ओके कर देना फिलहाल। तो जैसे आप इस पे ओके करोगे तो यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाई देगा आपको, उसके बाद आपने देखो जिस पे भी आप क्लिक करोगे, यदि आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखो येलो इसमें आके दोबारा फिर देखो कॉपी प्रॉपर्टी में गए, ओके गया, यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ रहा है, अब कॉपी प्रॉपर्टी में वापस गए और ओके किया, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट की कॉपी सॉरी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इसमें कॉपी हो रही है, तो ये होता है हमारा क्या था कॉपी प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे है प्रिंट आउटलाइन, सॉरी आवर प्रिंट आउटलाइन और आवर प्रिंट फिल, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक से नहीं चल पाएगा, मैं ये आपको जो लेटेस्ट कोरल ड्रॉ है जैसे 17 या 13 14 15 उनमें कराऊंगा आपको, और वैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, इफेक्ट क्या आएगा वो दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, चलेगा तो नहीं जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया था, मेरे से नहीं चला ये,
तो कोई ऑब्जेक्ट है जैसे इसके ऊपर लेके जा रहे हो, वो बिहाइंड में जा रहा है आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं सिखाया था टूल के अंदर आप लोगों को, तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे। सॉरी, पहले तो ऑब्जेक्ट, अच्छा क्लिक कर रखा है, तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी में कोई भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमने यूनिफॉर्म पे क्लिक कर दिया, ये हल्का सा लाइट आ जाएगा। अब इसको देखो, जिस भी कलर पे लेके जा रहे हैं तो वो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही जब आवर प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड कलर दिखाने दिखने लग जाते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हो आप, हमने कोई टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद इसको कोई कलर कर रहे हो आप, और कलर करने के बाद अगर आप इसको आवर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो आवर प्रिंट होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हल्का सा लाइट, और जिस भी कलर पे लेके जाएंगे तो वो कलर इसके अंदर ऐसे नहीं पता लग पा रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको, तो वो कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, इसमें दिखाई देने लग जाता है, उसका इफेक्ट इसके अंदर दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार आवर प्रिंट आउटलाइन या फिल का यूज किया जाता है। कराऊंगा जरूर मैं आपको, लेकिन इस वाले में नहीं हो पा रहा। आगे देखते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन है ऑब्जेक्ट टेक्स्ट गाइडलाइन नोड। ये क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए भाई। सिलेक्ट ऑल में देखो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे क्या होगा, टेक्स्ट पे, गाइडलाइन पे, नोड पे। पहले जूम आउट करते हैं। अब आपका देखो ये टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट, दो तीन टेक्स्ट और ले लेते हैं हम। हमने दो तीन टेक्स्ट और ले लिए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हैं आपके और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और गाइडलाइन भी ले लेते हैं, ये गाइडलाइन होती है हमारी, यहाँ से गाइडलाइन आती है, इनका यूज अभी बताएंगे। अलाइनमेंट सेट करने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। ऐसे कुछ गाइडलाइन ले लिया आपने, और आपको सिलेक्ट ऑल पे जाना है और ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से मूव करके देखो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है और टेक्स्ट है वो मूव हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो गाइडलाइन है वो मूव नहीं हुई है। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ जो है टेक्स्ट ही मूव हो, ऑब्जेक्ट मूव ना हो। कोई ऑब्जेक्ट की आपने कोई सेटिंग करनी है, सॉरी टेक्स्ट की या ऑब्जेक्ट की, तो आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ओनली आप सिर्फ टेक्स्ट ही सिलेक्ट हुए हैं आपके, टेक्स्ट ही मूव कर पाओगे आप। यानी आप ऑब्जेक्ट जो लिए थे वो नहीं मूव हो रहे हैं, देखो ऐसे। आगे है गाइडलाइन। गाइडलाइन पे यदि आप, कहाँ गया हमारा गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, इस पे क्लिक करोगे तो ये गाइडलाइन जो है थोड़ा रेड कलर की होगी होगी। अब आप इनको मूव कर सकते हो इधर उधर, जहां भी आपने इनकी पोजीशन सेट करनी है। एक रह गया आपका नोड। नोड नोड क्या होता है, सीधे जो होते हैं कोने जो होते हैं कंप्यूटर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पे ठीक से नहीं चल पाता, इसलिए मैंने टेक्स्ट लिखा है। अगर आप ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर नोड पे क्लिक करोगे तो देखो नोड जो है नहीं चल पा रहा है, और यदि आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और देखो ये नीचे व्हाइट व्हाइट से आ रहे होंगे हल्के हल्के, इन्हें हम नोड बोलते हैं, ठीक है। अभी इनका यूज क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आना है और आपने सिलेक्ट ऑल पे यहाँ पर नोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो इसके नोड है ना वो ब्लैक कलर के हो गए होंगे, और यहाँ पर कुछ निशान आया है, इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखो अब क्या हो रहा है, गैपिंग आ रही है टेक्स्ट के बीच में। अगर हम विदाउट नोड को सिलेक्ट किए इसको स्ट्रेच करते हैं तो टेक्स्ट जो है स्ट्रेच हो जाता है। कैसे, मैं अंडू करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी तो नोड में कन्वर्ट है, ये नोड हटाओ पहले, तो नोड हमने नोड हटा लिया, हटा नहीं आई थिंक, यह हट गया, चलो देखते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रेच होता हमारा टेक्स्ट, ठीक है। नोड को अगर सेलेक्ट करके हम स्ट्रेच करेंगे तो गैपिंग आएगी, ये आपका नोड है। आगे है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड का आपने कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, कैसे फाइंड होता है इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे आप, एक मिनट पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, जैसे रेक्टेंगल तो ले रखी है हमने, कोई एक दो सर्कल ले लेते हैं, ठीक है।
तो अब हम फाइंड पे आते हैं। फाइंड ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने क्या सर्च करना है। ठीक है, हमने बींग ए न्यू सर्च पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से कर्व, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉली लाइन, क्या आपने सर्च करना है उस पर आप क्लिक कर लोगे। आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो टूल हमने कराए थे वो इनके बारे में है ये। तो सपोज करो आपने रेक्टेंगल सर्च करनी है, इनसे हटा दो, रेक्टेंगल सर्च करनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर नेक्स्ट फिनिश, जैसे आप क्लिक करोगे एक कुछ इस प्रकार की विंडो आएगी और यहाँ पर ऑलरेडी एक रेक्टेंगल जो सेलेक्ट मिलेगी आपको। जब आप नेक्स्ट करोगे तो वो बताएगा अगली कहाँ है, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो वो बता रहा अगली कहाँ है, उसके बाद है, उसके बाद नहीं है, तो कह रहा उसके बाद है ही नहीं, अभी फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने सर्च किया था क्या, रेक्टेंगल। एडिट सर्च पे जाओ, अब हम करते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स पे जब आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वही वापस से वैसे ही आएगा। अब ये सर्कल को फाइंड करेगा कहाँ कहाँ आपके सर्कल है, दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस और ये आगे पीछे, आगे नहीं है तो आगे फिनिश कर देगा। ठीक है, ये था फाइंड। आगे रिप्लेस और देख लेते हैं। रिप्लेस, सॉरी चल नहीं रहा, इसको काटो एक बार। फाइंड एंड रिप्लेस में आ गया, यहाँ पर रिप्लेस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, फिलहाल हम कलर फाइंड करके देख लेते हैं, बाकी आप ये रिप्लेस कलर प्लेट कर सकते हो ऐसा कुछ। तो रिप्लेस ए कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने पीछे ना, एक मिनट कैंसिल करते हैं, इसके अंदर कोई कलर फिल करते हैं, जैसे ये रेड है, ये रेड है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि रिप्लेस होता क्या है। अब फाइंड पे रिप्लेस पे जाएंगे, रिप्लेस पे आपने क्लिक किया, यहाँ से कलर पे नेक्स्ट, फाइंड कलर, फाइंड कलर, आप उस कलर को चूज करो यहाँ से। देखो परफेक्ट आपको कलर चूज करना पड़ेगा, रिप्लेस विद, जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई है और फिनिश पे आपने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखो फाइंड, अगर आप क्लिक करते हो फाइंड नेक्स्ट तो जहाँ जहाँ रेड है देखो सिलेक्शन आ रही होगी। ठीक है, और यदि आप रिप्लेस वन करोगे या फाइंड ऑल करोगे तो कुछ इस प्रकार सिलेक्शन आ रही है, लेकिन आपने रिप्लेस वन करना है तो वन ऑब्जेक्ट पे होगी, अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ रेड कलर थे वहाँ वहाँ ब्लू कलर हो जाएगा। ये था आपका रिप्लेस। और आगे है हमारा टेक्स्ट, ये बड़ा आसान होता है, एमएस वर्ड एक्सेल में भी आपको कराया है ये। तो फाइंड टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपने कोई फाइंड कर लेना, जैसे कंप्यूटर लिखा हमने, कंप्यूटर लिखा है, फाइंड पे क्लिक करो तो जहाँ पर कंप्यूटर होगा वहाँ पर सिलेक्शन आ गई है। ठीक है, ऐसी रिप्लेस, यदि आपको कोई वर्ड यहाँ पर चेंज करना पड़ जाता है तो फाइंड टेक्स्ट में जाएंगे तो आप वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा आपने और कंप्यूटर की जगह एजुकेशन, एजुकेशन हो जाए। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो, जहाँ जहाँ कंप्यूटर होंगे वहाँ वहाँ आपका एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट, सॉरी न्यू, सॉरी इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट, ये वैसी सिंपल से कुछ शेप होती है, अगर इनमें से आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज कोई खास यूज तो है नहीं इनको, साइज शायद इंक्रीज नहीं कर सकते इसको हम, और जूम करके भी देखोगे तो इसमें कुछ खास लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये बटन आपने इंसर्ट किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है इंसर्ट बार कोड। इंसर्ट बार कोड क्या होता है, देखो ये आम है, क्यूआर कोड, बार कोड आप लोग जानते ही होंगे। यदि किसी चीज का आपको या किसी प्रोडक्ट का आपको बार कोड बनाना है, बार कोड डिजाइन करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उससे रिगार्डिंग कोई नंबर होते हैं, वो नंबर आपको यहाँ से फीड करने हैं इसके, और उसके अकॉर्डिंग ही ये बारकोड जनरेट करेगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल ये कह रहा है एंटर टू न्यूमेरिक 13, मतलब कोई 13 न्यूमेरिक एंटर करो आप। ठीक है, आपने न्यूमेरिक एंटर कुछ कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट, यहाँ से इसकी वो जो प्रॉपर्टी है थोड़ा मतलब चेंज कर सकते हो, आप नहीं करनी है कोई बात नहीं, नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक करो। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने नंबर डाला था उसके रिगार्डिंग एक बार कोड इंसर्ट होके आ गया है। ठीक है, इसे हम बार कोड बोलते हैं। आगे है हमारा न्यू इंटरनेट, सॉरी न्यू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट मतलब किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल आपको यहाँ पर इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप न्यू और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में से आपने कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल इंसर्ट करनी है उसको आप चूज करोगे, जैसे
कोरल की तो ऑलरेडी है, जैसे अडोब की करनी है आपने, या फोटो की करनी है, या कोई और माइक्रोसॉफ्ट की करनी है आपको, पिक एंड के रिगार्डिंग कोई और करनी पड़ जाती है, तो फिलहाल हम बिट मैप की कर लेते हैं। बिट मैप है इसमें, बिट मैप होना चाहिए, नहीं है। चलो वर्ड की फाइल इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो एमएस वर्ड ढूंढो, ये रहा वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर बस ये रहा पेंट, कोई बात नहीं, हम वर्ड की फाइल इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक वर्ड का पेज खुलेगा, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट जो है लिख सकते हो, और आपको थोड़ा देखने में अजीब लगेगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल खुलती है, इसको ना थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। ये जो ड्राइंग आई आपकी, थोड़ा बड़ा करोगे, कहाँ चली गई फाइल हमारी, दोबारा करके देखते हैं, न्यू पेज लेते हैं। यस, यहाँ से न्यू पेज लिया, कंप्यूटर ही हमारा स्लो चल रहा है, क्या था? अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट था, न्यू ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से अलग अलग सॉफ्टवेयर की फाइल आती हैं, उन पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओके करोगे, तो वो फाइल, जैसे वर्ड दिखाना था आपको, तो वर्ड पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से ओके, ओके आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक वर्ड का छोटा सा पेज आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। अगर आपको बड़ा करना है उसको, आप स्क्रॉल करके यानी ड्रैग करके आप उसको बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पर साथ में दिखाएंगे भी, सारे ऑप्शन दिखाएंगे आपके, ये इसके वर्ड के, और यहाँ पर कुछ लिखना वो भी लिख भी सकते हो आप। देखो कुछ लिखा है मैंने, और वो लिखा हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन बहुत छोटा है। आप यहाँ से साइज को सिलेक्ट करो, ये होम मेन्यू देखो वर्ड का खुला हुआ है, होम मेन्यू पे क्लिक करो, यहाँ से अगर आपको लगता है इसका साइज आपको बड़ा करना है, तो आप साइज बड़ा कर सकते हो, भाग गया क्या हो, तो यहाँ से कर लेते हैं हम, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया, तो ये साइज बड़ा हो गया होगा इसका। तो कोई भी आप अदर सॉफ्टवेयर अगर आपने इंसर्ट करके दिखाना है, तो आप अदर सॉफ्टवेयर इंसर्ट करके दिखा सकते हो, और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, और जैसे आप बाहर क्लिक करोगे, और आपकी जो ये वर्ड की फाइल थी वो आपके कोरल ड्रॉ में इंसर्ट हो चुकी होगी, ये कुछ लिखा था आपने, ठीक है। ये आगे था, देखो जो आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, ठीक है, उसको एडिट करना है या ओपन करना है, उसके लिए बोल रहा है ये, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आगे है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी विंडो यहाँ से खुलती है, ओपन करो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी विंडो खुलेगी, जहाँ पर देखो मेरा माउस है, तो यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई फिल करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो आप कलर फिल कर सकते हो, टू कलर बनाने हैं, ये वैसे मैं करा चुका हूँ आपको, और यहाँ से आप देखो साथ के साथ इंसर्ट होके नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पर करके देख लेना, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की। हो गया हमारा, आगे है व्यू, व्यू जो है हमारा, व्यू किस लिए यूज किया जाता है, व्यू का ऑप्शन कोई डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किया जाता है, कैसे देखते हैं अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पर है ना, आप कोई पिक्चर और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लो, क्योंकि वायर फ्रेम और सिंपल वायर फ्रेम है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। ये हमने ब्लेंड बनाया इसको, ठीक है, और यहाँ पर हम एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं, पिक्चर पे हम गए, कोई और पिक्चर नहीं, तो इनमें से कोई पिक्चर आपने इंपोर्ट कर ली, अब हम व्यू ऑप्शन आपको कराते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले है वायर फ्रेम, ठीक है, वायर फ्रेम में क्या होता है, कहाँ है ये रहा,
आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो, ये ब्लैक टूल था, इसके अंदर से सब कुछ चला गया और पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चली गई। ठीक है, ये है वायर फ्रेम आपका। कई बार क्या होता है, मैं कुछ और भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और आप सोच रहे हैं इसमें कोई कलर फिल कर दूँ, तो कोई भी कलर नहीं आएगा इसके अंदर। वो कलर आ रहा है फिलहाल, दिख नहीं रहा है, तो जब नॉर्मल करोगे तब आपको वापिस से दिखाई देगा वो। तो आप इसको क्या करो, अब सॉरी ये तो था वायर फ्रेम, अब देखते हैं सिंपल, सॉरी सिंपल वायर फ्रेम था ये, अब देखते हैं वायर फ्रेम क्या है। वायर फ्रेम पे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पिक्चर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा इतना, लेकिन जो आपके ब्लेंड के अंदर आउटलाइन थी यानी जो लाइनिंग थी वो वापिस आ गई है ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन कलर अभी भी नहीं आएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, नहीं आएंगे। तो अगर कलर फिल करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब आगे है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट में क्या होगा वो देख लो। अब ड्राफ्ट पे यदि आप क्लिक करते हो, कहाँ गया ड्राफ्ट, ठीक है, तो ड्राफ्ट पे हमने क्लिक किया तो कलर वापस आ गया हमारे ऑब्जेक्ट के, लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी है, पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो चुकी है। अगर आप जूम करके देखोगे इसको तो पिक्चर देखो थोड़ा पिक्सल कम हो चुके इसके। तो आगे देखते हैं, आगे है नॉर्मल, कहाँ है नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल पे आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो पहले वाली वापस आ गई है। देखो अब बेटर है पहले से, और जो ऑब्जेक्ट में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब आगे है इनहेंस। इनहेंस में क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आएगा हल्का सा, देखना क्या होगा। तो आपके जो ऑब्जेक्ट है हल्का सा धुंधला हो गया, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, धुंधला भी क्या, देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, देखो इसकी जो आउटलाइन है थोड़ा शार्प हो गई है और अब ये थोड़ा ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, ये है इसमें डिफरेंस। आगे है फुल स्क्रीन, कोई भी आपने ड्राइंग बनाई है उसको आपने फुल स्क्रीन पे देखना है, और ऐसे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करोगे फुल स्क्रीन आ जाएगा आपका। नहीं आए, क्यों नहीं आया, देखते हैं, फुल स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जो ड्राइंग है वो फुल स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगी। एस्केप करो, वापस चले जाओगे। आगे है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, इसमें क्या होता है, जो चीज आपने सिलेक्ट कर रखी है वही आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी, बाकी की नहीं दिखाई दे। पिक्चर पे क्लिक करो तो पिक्चर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ से पेज आते हैं आपके, यहाँ से मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ या दो तीन पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो वापस हम पहले पेज पे आते हैं, तो ये पिक्चर में भी किसी दूसरे पेज पे लेगा। तो ये हमने कुछ पेज डिजाइन कर रखे हैं जिस पे अलग अलग ड्राइंग है, और आप देखना चाहते हो पेज सॉर्टर का मतलब पेज को छोटा करके देखना, और पेज तो छोटे आएंगे ही, साथ में ये भी बताएगा कि इस पे ड्राइंग कौन सी बनी हुई है। ठीक है, बड़ा ही काम का ऑप्शन है, और आप इस पे डबल क्लिक कर देना किसी पे भी, वो नॉर्मल हो जाएगा। रूलर, रूलर बार को हाइड एंड शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो रूलर चला गया, यहाँ पर वापस क्लिक करो आपका रूलर आ जाएगा। ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन होती है, ग्राफ टाइप जो होती है आपकी, इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं, और यहाँ पर क्लिक करोगे ये चली जाएगी। एक गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से जो साइड से आती है ना आपकी, या ऊपर नीचे अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है इसका यूज। ये गाइडलाइन यदि आपको हाइड करनी हो ये ऐसे चली जाएगी, और वापस लेनी हो तो ये ऐसे आ जाएगी। आगे है सो, सो जो है आपका रिलेटेड है, सो सॉरी सो ऑब्जेक्ट जो है आपका रिलेटेड है, क्या बोलते हैं आपका, पेज बॉर्डर से। ठीक है, पेज बॉर्डर से आपका रिलेटेड है ये, जो हमारा पेज होता है, यदि हम यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, और यदि हमें पेज जो हमारा हाइड करना है, ऐसे आप ऐसे क्लिक करोगे तो पेज जो है यहाँ से चला गया, अब पता नहीं लग पा रहा कि पेज है कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आप देखना चाहते हो कि भी प्रिंट एरिया कहाँ पर है हमारा, देखो जो पेज एरिया होता है वही प्रिंट एरिया होता है। आप दो तरीके से इसको शो कर सकते हैं, तो ग्रिड पे क्लिक कर दो या प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। ठीक है, दोनों से सेम ही आएगा। देखो ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रहा है, और इसको हटा रहा हूँ मैं,
और अब मैं प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा तो भी यही आएगा, बस उसके जो डॉट्स हैं वो थोड़ा हल्के से चेंज हो गए, दोनों आ गए हैं क्या? एक मिनट, ब्लेड तो नहीं ऑन है, नहीं ब्लेड ऑन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट एरिया कुछ ऐसा था, आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो। हाँ दोनों आ गए थे, ब्लेड और प्रिंट एरिया दोनों आ गए थे, ये आपका प्रिंट एरिया है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये, सॉरी ये हाइड एंड शो हो रहा है, ये ब्लीड हटाओ पहले, तो ये ब्लीड हट तो रहा है, या आपने प्रिंट एरिया पे क्लिक किया, देखो दोनों चले गए, यानी ब्लीड दोनों साथ में आएंगे, और पेज पे क्लिक करोगे पेज आ जाएगा आपका वापस। आगे है आवर प्रिंट ऑब्जेक्ट, वैसे मैंने कहा था जो आपका यहाँ जो नहीं चल रहा था और यहाँ भी नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा कुछ चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सारा में ही चलता है, कोरल सारा में या लेटेस्ट उसमें चल पाएगा, यहाँ ये ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी अब ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, अगर आप इधर उधर या इधर लेके जाओ या ना लेके जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ना इससे। और अब आप इसको इसको शो पे क्लिक कर रहे हो, कहाँ गए शो में, ठीक है प्रिंट टेबल में, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, देखो कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम करते हैं इसको, एक बार यहाँ से सेलेक्ट करो आवर प्रिंट फिल, ठीक है आवर प्रिंट फिल पे क्लिक किया, और अब हम वापस शो में जाते हैं और यहाँ से प्रिंट आवर प्रिंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा? तो ये इस प्रकार के कुछ ये इसमें पैटर्न से दिखाई देते हैं, और ये पैटर्न ही आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो आप खुद करके देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता, हल्का लाइटपन आ जाता है, इतना तो मुझे पता है। आगे है टेक्स्ट, टेक्स्ट फ्रेम, टेक्स्ट फ्रेम क्या होता है आपका? यदि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है यहाँ पर एक आपने टेक्स्ट लिखा, तो थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट जिसका कोई फ्रेम नहीं होता, ठीक है। अब वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करो, और अब आप ऐसे कुछ एक बॉक्स ड्रॉ करो और उसके अंदर कुछ लिखो, ठीक है इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। तो ये ऐसा कुछ लिख दिया आपने इसके अंदर, तो लिखने के बाद अब देखो, चलो लिख दिया ठीक है, एक दो ऑब्जेक्ट और लिख देते हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ उसका जो है आपका फ्रेम दिखाई दे रहा है, वो आप सोच रहे हो कि हमें इस फ्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फ्रेम जो है इससे चला जाए, देखा ऐसे नॉर्मल क्लिक करोगे तो ये फ्रेम इसके साथ आएगा आपका। तो पहले तो गाइडलाइन को हटा देते हैं, तो ये फ्रेम जो आपको यदि हटाना है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन शो में जाएंगे तो टेक्स्ट फ्रेम में है, जैसे आप टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करोगे तो इनके जो फ्रेमिंग है वो हट जाएगी, एक मिनट यहाँ पर देख लो, ठीक है तो इसकी फ्रेमिंग यदि वापस लेनी है तो आप टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करो तो वापस आ जाएगी। आगे है हमारा अनेबल रोल ओवर, ठीक है यहाँ से रोल ओवर को अनेबल और डिसेबल किया जाता है, ठीक है मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ये कहाँ गया, ये रहा हमारा रोल ओवर, ठीक है फिलहाल रोल ओवर नहीं, फिलहाल एडिट सॉरी व्यू हमारा यहाँ तो ऑन ऑफ होता है। आगे स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन ऑब्जेक्ट, ये बड़े ही काम के हैं, अलाइनमेंट सेट करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए इनका यूज होता है, कैसे दो तीन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट दो तीन। अब आपने सबसे पहले कौन सा वो देख लेते हैं, कहाँ गया, स्नैप टू ग्रिड, ठीक है स्नैप टू ग्रिड, एक ग्रिड लाइन होती है इसमें, ऐसे आप यहाँ से ग्रिड ऑन करो, और जब आप ऑब्जेक्ट अपना मूव करते हो, ठीक है इधर उधर मूव करोगे, आपको शायद ना दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग सेट होता है आपका ये। हाँ देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फोर्स होता है इसके अंदर, ये उसके साथ थोड़ा अटैच हो जाता है, आप खुद करेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, गाइडलाइन पे अगर नहीं पता लग पा रहा कोई बात नहीं, अभी हम दूसरे तरीके से कराते हैं आपको, गाइडलाइन हटा दो। आगे आपको यहाँ पर अब कंफर्म हो जाएगा स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू गाइडलाइन क्या होता है, यदि आपने कोई गाइडलाइन ले रखी है, सॉरी गाइडलाइन तो आपने हटा रखी है यहाँ से, उसको ऑन करो एक बार, यहाँ से हमने हटाई थी ऑन कर दिया, ये गाइडलाइन है, यदि इनमें से कोई सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने इनको सेट करना है, ठीक है
जैसे मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। अब मैं मैन्युअली लगा रहा हूँ, स्नैप नहीं चला रही, तो मैंने कुछ लगाने की कोशिश करी है, तो शायद लग भी गया हो, लेकिन श्योरिटी नहीं होती हमें। श्योरिटी क्या लगेगा ही नहीं कभी भी। अब हम जूम करके देखते हैं तो कितना डिफरेंस मिलेगा इसमें। देखो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और ये तो तभी कवर हो पाएगा यदि आप जूम करके आप इसको अटैच करते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं आपके पास। अभी हम इसको 1 सेकंड में अटैच करते हैं, वो भी परफेक्ट। वापस यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपने स्नैप टू ऑब्जेक्ट इफेक्ट यहाँ पर ऑन करना है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, सॉरी स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू गाइडलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेके जाओ और अपने आप ही इसके साथ अटैच हो जाएगा, अपने आप ही आपका माउस अपने आप आपको पता लग जाएगा कि इसे अटैच हुआ है या नहीं है। एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो इसके साथ चिपक जाता है। अब जूम करके देखो तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी जूम कर लो, गाइडलाइन का पता ही नहीं लगेगा, ये उसके ऊपर अटैच हो गई है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का चेक कर सकते हो, आपके जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अटैच हुआ है, ठीक है। ये होता है आपका स्नैप टू गाइडलाइन। ऐसे ही है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। स्नैप टू ऑब्जेक्ट मतलब यदि आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अटैच करना है, कैसे अभी दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर नीचे रखना है, इसको बिल्कुल साथ में लगाना है, ठीक है। तो मैंने शायद माउस से लगा दिया, लेकिन अब श्योरिटी है क्या वो लग गया हो क्या नहीं, जूम करके देखते हैं तो देखो नहीं, गैपिंग आ रही है, ठीक है। नॉर्मल में हमें थोड़ा इतना नहीं पता लग पाता, हम चाहते हैं वो एकदम परफेक्ट सेट हो उसके साथ। तो आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑन करोगे, और ऑन करने के बाद आप यहाँ पर नोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी सिलेक्ट करोगे, उस नोड के इस नोड से। देखो फिलहाल देखो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अटैच हो रही है फिलहाल, हम सॉरी हम तो नोड से करेंगे, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा। एक बार जूम करके चेक करते हैं, देखो ये वाली लाइन तो होगी लेकिन वो वाली लाइन नहीं हो पाई क्योंकि नोड सही से आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुआ था। दोबारा देखते हैं, इस नोड को इस नोड से अटैच करना है, नोड की तरफ कंसंट्रेट करना आपने, ठीक है। नोड नोड की तरफ अटैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो नहीं समझ में आ रहा, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए लेकिन गैपिंग आ रही है। कोई बात नहीं, आप लाइनिंग के अकॉर्डिंग अटैच करो। देखो ये अगर आपने सोच रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये दूसरे वाली लाइन के अकॉर्डिंग आपने अटैच करना है, तो जूम आउट करो इसको और अब इसको ऐसे इसके ऐसे पास में ले जाओ, वो अटैच हो गई होगी, ठीक है। जूम करके देखो नहीं हो रही है, हम जूम ही बहुत कम ले रहे हैं। तो ऐसे आपने इस पे क्लिक करना है तो अब ये इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गई होगी, ठीक है। ये था आपका स्नैप टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए इसका यूज होता है। हमारा ऑप्शन डायनामिक गाइडलाइन। डायनामिक गाइडलाइन भी कुछ कुछ इनकी तरह ही है, जिसमें क्या होता है आपको डायनामिक गाइडलाइन ऑन करना है यहाँ से, और ऑन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर है ना कुछ ऐसे लाइनिंग सी आएगी, बिली बिली बिली। हाँ ये रही, ये एंगल दिखाती है, ये रही, ये देखो ये दिखाती है, ठीक है। ये क्या एंगल दिखाती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, डिलीट कर देता हूँ इसको। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी, आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट करना है या कुछ भी या अटैच करना है, तो एंगल वाइज दिखाता है। या अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसके ना सेंटर पॉइंट अपने आप आ जाएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसलिए नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए, ये रहा, ठीक है। देखो अब मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना इसको, ये देखो तो ये बता रहा है अभी यहाँ पर, थोड़ी मैं छोड़ देता हूँ पहले इसको, यानी जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेंटर में आया है, ठीक है। और यदि आप जैसे इसका वैसे तो एंगल देखना चाहते हो कि ये किस एंगल पे आपका, ये 45 डिग्री पे है, ठीक है, 135 डिग्री पे है नोड, जैसे नोड टू नोड आप अटैच करना, जैसे ये 0 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है, तो
और ये फिर डिस्टेंस कितना वो भी दिखाता रहेगा। देखो ये गाइडलाइन होती है आपकी, 90 डिग्री दिखा रहा है ये। तो एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए, अटैच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे आपकी ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आपको लगता है इनके अकॉर्डिंग आपको कोई सेटिंग करनी है तो कर देना, अदरवाइज रहने देना। क्योंकि कई बार यदि आपको नॉलेज है तो आप करना, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत करना। एक बार मैं कुछ सेटिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्या था ये पहले देख तो ले, किस पे क्लिक किया हमने? हमने क्लिक किया है ग्रिड एंड रूलर पे, ठीक है। आप इसके सेटअप पे आएंगे तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जैसे कि भी आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। एक मिनट, ग्रिड ऑन करना पड़ेगा आपको। फिर पहले ग्रिड ऑन कर लो, यहाँ से ग्रिड ऑन कर लिया आपने। अब यहाँ पर ये स्पेसिंग है या कुछ ऐसा, भाई कितना स्पेस होना चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो जैसे मैंने यहाँ पर कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने 55 कर दिया और इसने 55 कर दिया, ठीक है। ओके करो तो देखो ये जो आपके पीछे ग्रिड है ना, वो उसमें चेंजिंग आया होगा, गैपिंग आ गई होगी जैसे भी हमने दिया उसके अंदर। ऐसे ही रूलर के अंदर आप, अगर आपने कोई चेंजिंग करने हैं, ठीक है, तो रूलर पे आप क्लिक करोगे तो रूलर देखो ये न्यूड 0 दिखा रहा है, या आपने ऐसे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने है ना, इंचीज में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, किस में लेना है, वो भी दिखाएगा आपको। जैसे सेंटीमीटर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दो, ठीक है। तो आपका ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा रूलर जो है, ठीक है। और यहाँ से आप 0 लॉक भी कर सकते हो इसको, आप 0 लॉक आगे कराएंगे। चलो आगे है, ये सेटिंग्स होती हैं। एक मिनट, ग्रिड हटा दो, ग्रिड का काम खत्म। डायनामिक गाइडलाइन, डायनामिक गाइडलाइन जो भी मैं कुछ करा रहा था आपको, वो जो ब्लू कलर की एंगल दिखा रही थी, वो डायनामिक गाइड, सॉरी ये तो गाइडलाइन है, सॉरी गाइडलाइन, गाइडलाइन जो है हमारी वो ब्लैक कलर की आ रही थी, या कौन से कलर की आपने लेनी है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि हमारी रेड कलर की गाइडलाइन आए और ऐसा कुछ ब्लू कलर में इसको डिफॉल्ट हो। तो जब आप इधर से जब गाइडलाइन लोगे ना, आए पे है नहीं, आप ये देखो रेड कलर की आ रही है, ठीक है, रेड कलर की आ रही है। और जब आप क्लिक कर रहे हो उसको सेलेक्ट, तो रेड कलर की हो रही है, ठीक है। देख लेना आप ये गाइडलाइन की आपने कुछ सेटिंग करी। ये क्या है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसमें कोई आपने सेटिंग करनी हो, यहाँ से देखो नोड है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये ऑन है, यदि आप इनको हटा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेसिंग नहीं करेगा, ठीक है। स्पेसिंग आपने मीडियम रखनी है, लो रखनी है, वो भी बताएगा कि स्पेसिंग, स्नैपिंग, सॉरी स्नैपिंग कितनी रखनी है। आगे है हमारा डायनेमिक गाइडलाइन, ठीक है। डायनेमिक गाइडलाइन और इसमें भी कुछ सेटिंग होती हैं, जैसे यहाँ पर आप ये डायनामिक गाइड जैसे एंगल नहीं दिखा रहा था, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, देखो यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर ये सारे ऑन कर दोगे आप, तो आपकी डायनामिक गाइडलाइन जो है सभी एंगल पे दिखाई देने लग जाएगी। फिर पहले वो कुछ ही एंगल पे दिखाई दे रही थी, अब वो हर एक एंगल पे दिखाई देगी आपको, वो हर एक एंगल पे आपको दिखाई देगी। देखो ब्लू ब्लू कलर की आ रही है। आगे आके खत्म हो गया, ठीक है। ये था हमारा एडिट और व्यू, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इनके रिगार्डिंग जो हमने आपको नॉलेज दी है जरूर समझ में आई होगी। आगे हम बात करेंगे पेज लेआउट अरेंज के बारे में, और यदि आपने कोरल ड्रॉ से संबंधित किसी भी वीडियो की जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी वीडियो का लिंक देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे भी जाके पार्ट नंबर 1, 2, 3 या 4 जो भी है उनका वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है मेरे ने मैंने जो काम कराया वो बिल्कुल सही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।